हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बी प्रसाद है। मीट विथ मैथ चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताए थे, लिनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताए थे। अब कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ फार्मूला बताएंगे, जो कि बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी कैन गेट सम यूजफुल रिजल्ट्स फॉर क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन के लिए कुछ फार्मूला को आपको याद रखना जरूरी पड़ेगा, जिससे कि गेट एग्ज़ाम में आप तुरंत गेट एग्ज़ाम में कम समय में ही आंसर दे सकें। इसके लिए कुछ फार्मूला जो है याद रखना जरूरी है, तो उसको आइए देखते हैं। फार्मूला लिखते हैं पहले। नंबर वन, L ऑफ EAT दैट इज इक्वल टू 1/S - A, यानी S शिफ्टेड बाय L, वन का होता है, L ऑफ वन का होता है 1/S, तो शिफ्ट करेगा S माइनस ए में। दूसरा है L ऑफ EAT T टू दी पावर N, इसका हो जाएगा गामा फंक्शन N प्लस वन या फैक्टोरियल N S माइनस ए टू दी पावर N प्लस वन। तीसरा है L EAT साइन BT, इसका हो जाएगा B/S - A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चौथा है L ऑफ EAT कॉस BT, इसका हो जाएगा S बाय होता है तो S - A / S - A का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। पांचवा है L ऑफ EAT साइन हाइपरबोलिक BT, यानी B/S - A² और माइनस होगा इसमें माइनस बी स्क्वायर। सिक्स है L ऑफ EAT कॉस हाइपरबोलिक BT, यानी हो जाएगा S - A / S - A का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ फार्मूला की फैक्ट्स है, उसको याद रखने में जरूरी, याद रखने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। की फैक्ट्स क्या है, जैसे 2 sin A इंटू कॉस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा है 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी इक्वल्स टू क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos A इंटू कॉस बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब sin 3A क्या होता है sin 3A इजकल्स टू होता है 3 sin A माइनस 4 sin³A और
साइन क्यूब ए क्या हो जाएगा, साइन क्यूब ए इजकस टू थ्री, साइन क्यूब ए इजकस टू थ्री साइन ए, थ्री साइन ए, और ये इधर चलाएगा तो साइन माइनस साइन थ्री ए बाय फोर, फोर साइन क्यूब इधर चलाएगा तो ये बाय फोर। अब इसी में मान लीजिए साइन क्यूब फाइव ए कहेगा तो क्या कहेंगे, फाइव ए कहेगा तो यहाँ एंगल में फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ फिफ्टीन ए हो जाएगा, फाइव थ्री या फिफ्टीन ए। अगर एंगल में कहेगा साइन क्यूब नाइन ए पूछेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब नाइन ए, तो नाइन क्या करेंगे, नाइन ए से यहाँ नाइन, नाइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ नाइन मल्टीप्लाई, यहाँ नाइन मल्टीप्लाई नाइन, यानी साइन ट्वेंटी सेवन ए क्या हो जाएगा, साइन ट्वेंटी सेवन ए का जो थ्री साइन नाइन ए माइनस फोर साइन क्यूब नाइन ए, तो हमको निकल जाएगा आसानी से, इससे रेडीमेड फार्मूला बन सकता है इससे। अब कॉस थ्री ए, कॉस थ्री ए क्या है, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन और इज इक्वल्स टू, और नहीं इज इक्वल्स टू फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ज़रूरत के अनुसार हम कॉस ए भी निकाल सकते हैं, साइन ए भी निकल सकता है, कॉस थ्री ए के बराबर, कॉस स्क्वायर का लाप्लास निकालना रहेगा तो ये, साइन स्क्वायर का लाप्लास निकालना रहेगा तो ये, इस तरह से ये आएगा फॉर्मूला। तो और ये कॉस टू ए का फॉर्मूला है, ये कॉस टू ए का, अब इसी को हम कर सकते हैं कॉस टू ए का, तो ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इजकस टू वन माइनस कॉस टू ए बाय टू। अब साइन स्क्वायर नाइन ए कहेगा तो क्या होगा, वन माइनस कॉस नाइन टू जा एटीन ए बाई टू, कॉस स्क्वायर कहेगा और कॉस स्क्वायर ए इजकस टू वन प्लस कॉस टू ए बाय टू, कॉस स्क्वायर सिक्स ए कहेगा तो क्या, वन कॉस स्क्वायर सिक्स ए तो वन प्लस ट्वेल्व ए बाई टू इज कस टू कॉस, एंगल में केवल हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर में सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक अलग फार्मूला रेडीमेड फार्मूला बनता हुआ नज़र आएगा। तो अब आइए कॉस थ्री ए देखते हैं, कॉस थ्री ए क्या होता है, कॉस थ्री ए का फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए इज इक्वल्स टू, और करिए और, अब इसका कॉस क्यूब ए क्या हो जाएगा, इसका टू ये हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो थ्री कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए, थ्री कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए बाय बाय फोर कर दीजिए। इसी में कॉस क्यूब नाइन ए कहेगा तो थ्री कॉस नाइन ए प्लस कॉस ट्वेंटी सेवन ए, इस तरह से हम रेडीमेड फार्मूला बना सकते हैं। अब एक फार्मूला और ध्यान देने के है, साइन हाइपरबोलिक थीटा इजकल टू होता है ई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा बाय टू, और होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा इजकल टू ई टू द पावर थीटा ई थीटा प्लस ई माइनस थीटा बाय टू। ये तो हो गया इतना की फैक्ट्स है, इतना याद रखने की चीज़ है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आपको क्विक रिवीजन में आसान होगा, कुछ थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन बना के देते हैं जिससे कि आपको गेट के एग्ज़ाम के लिए आसानी से क्विक रिवीजन हो सके और सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आप बना सकें। क्वेश्चन नंबर वन, एक करके क्वेश्चन नंबर वन में पांच क्वेश्चन देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर टू बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री बनाएंगे, इस तरह से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं जिससे कि आपको क्विक रिवीजन में आसानी हो। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एल ऑफ ई टू द पावर टू टी प्लस फोर टी क्यूब माइनस टू साइन थ्री टी प्लस थ्री साइन थ्री टी, उसके बाद दूसरा है थ्री कॉस एच फाइव टी माइनस फोर साइन एच फाइव टी, तीसरा है एल साइन टू टी इंटू कॉस थ्री टी, चौथा है एल ऑफ साइन टू द पावर फाइव टी, और पाँचवा है एल ऑफ ई टू टू टी कॉस स्क्वायर टी। आते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या होता है।
डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, एल ऑफ ई टू टी प्लस फोर कांस्टेंट अलग कर लीजिए, एल ऑफ टी क्यू माइनस टू कांस्टेंट एल साइन थ्री टी प्लस थ्री एल ऑफ कॉस थ्री टी, दिस इज कॉस टू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वन बाय एस होता है, तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से एल टू टी क्या हो जाएगा, एस माइनस टू प्लस फोर फैक्टोरियल एन थ्री दे देते हैं, उसके बाद एस टू दी पावर थ्री प्लस वन माइनस टू इंटू साइन का होता है ए बाय एस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यानी टू इंटू थ्री बाय एस स्क्वायर और प्लस थ्री थ्री जा नाइन और प्लस थ्री इंटू इसका क्या हो जाएगा एस बाय एस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यानी थ्री थ्री जा नाइन, दिस इज इक्वल्स टू वन बाय एस माइनस टू प्लस इसका फैक्टोरियल हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर बाय एस पर पावर कितना थ्री प्लस वन एस पावर फोर माइनस माइनस क्या आ जाएगा दोनों का एलसीएम, दोनों एस स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर क्या है दोनों का ये है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस नाइन एलसीएम लेते हैं तो थ्री एस माइनस सिक्स, तो थ्री कॉमन ले लीजिए एस माइनस टू हो जाएगा इसका, यहीं पर आंसर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, एल ऑफ थ्री एल ऑफ कॉस एच फाइव टी माइनस फोर एल ऑफ साइन एच फाइव टी, सो इजी दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थ्री कॉस एच ए टी का क्या होता है कॉस एच ए टी का एस, यानी एस बाय कितना हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव, क्लियर है, माइनस फोर इंटू ये हो जाएगा फाइव साइन का होता है फाइव ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फाइव बाय एस स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एलसीएम ले लीजिए तो क्या बचेगा थ्री एस माइनस ट्वेंटी, यही आंसर हो जाएगा। सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा, एल ऑफ साइन टू टी इंटू कॉस थ्री टी क्या हो जाएगा, ये इसको हम टू से सिंस सिंस टू साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यानी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ एल टू साइन टू टी, टू से मल्टीप्लाई भी टू से डिवाइड कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला पर लाने के लिए, तो इंटू कॉस थ्री टी यानी क्या हो गया टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी हाफ हाफ लिखिए एल ऑफ साइन टू टी प्लस थ्री टी साइन ए प्लस बी और प्लस साइन टू टी माइनस थ्री टी, यही क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू हाफ एल ऑफ साइन फाइव टी प्लस प्लस माइनस ये हो जाएगा टू टी माइनस थ्री टी क्या हो जाएगा माइनस टी, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ प्लस नहीं लिख करके माइनस लिखाएगा और हाफ तो रहेगा ही एल साइन टी, इसी का हो जाएगा हाफ फाइव बाय यानी ए बाय फाइव बाय एस स्क्वायर प्लस फाइव के स्क्वायर यानी ट्वेंटी फाइव माइनस हाफ यानी वन बाय
वन बाय क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन, ये एलसीएम ले लीजिए हाफ कॉमन ले करके, तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम ले लेंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा, हाफ बाहर निकाल लिए तो एस स्क्वायर प्लस 25 और एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस 25 एस स्क्वायर प्लस वन, तो क्या होगा एलसीएम लेंगे तो ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा तो 5 इंटू एस स्क्वायर प्लस वन और माइनस एस स्क्वायर और प्लस 25 माइनस 25 यही हो जाएगा हाफ 5 एस स्क्वायर, 5 एस स्क्वायर प्लस 5 माइनस एस स्क्वायर माइनस 25 बाय एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। यही हो जाएगा हाफ 4 एस स्क्वायर, सबट्रैक्ट करेंगे 5 एस स्क्वायर में एक एस स्क्वायर घटेगा तो और 5 माइनस 25 तो माइनस 20 बाय एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 निकाल लेंगे कॉमन ले लेंगे तो बाय 2 और ये हो जाएगा एस एस स्क्वायर माइनस 5 बाय एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। 2 जब 4 हो गया तो यही हो गया 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 5 बाय एस स्क्वायर प्लस 25 और एस स्क्वायर प्लस 1, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर क्या सॉल्यूशन क्या होगा, एल ऑफ साइन टू द पावर 5t, ये भी इंपॉर्टेंट है और समझिए कैसे बनता है, इस टाइप का रहेगा कोई क्वेश्चन तो किस तरह से बनेगा। सिंस साइन टू द पावर 5t, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं साइन स्क्वायर टी इंटू साइन क्यू टी में, 3 या 2, 5 हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। तो अब लिखते हैं सिंस साइन 3t इज इक्वल टू 3 sin t माइनस 4 sin q t, हमको चाहिए 4 sin q t, इधर इसको कर लेते हैं तो साइन क्यू टी क्या हो जाएगा साइन क्यू टी इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, इसका 3 sin t माइनस क्या हो जाएगा साइन 3t बाय 4, ये हो गया। अब नेक्स्ट है साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा कॉस टू टी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin² t और साइन स्क्वायर टी हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t बाय 2, दोनों हम पुट कर देंगे यहाँ पर, यहाँ इस तरह से करेंगे साइन स्क्वायर दिस इम्प्लाइज साइन 5 to the power 5t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी इंटू साइन 3 q t के बदले में लिख दीजिए यहाँ 3 sin t माइनस साइन 3t बाय 4, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 sin² है यहाँ एक है तो पावर 3 sin³t और बाय 4 माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/4 sin² t इंटू साइन 3t, तो साइन क्यूब टी के बदले में यहाँ लिखेंगे और साइन स्क्वायर टी के बदले में यहाँ ये पुट कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3/4 और साइन क्यूब टी के बदले में लिख दीजिए ये ब्रैकेट में दे करके 3 sin t माइनस साइन 3t
बाय फोर माइनस वन बाय फोर, इसको साइन स्क्वायर टी के बदले में क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस टी, वन माइनस साइन थ्री टी बाहर कर लीजिए, और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस टू टी बाय टू। क्लियर है? अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज कस टू थ्री थ्री जा नाइन बाई सिक्सटीन, नाइन साइन टी बाय सिक्सटीन माइनस थ्री बाय सिक्सटीन, थ्री बाय सिक्सटीन साइन थ्री टी, ये क्लियर हो गया, थ्री बाय साइन थ्री फोर फोर जा सिक्सटीन, थ्री बाय सिक्सटीन साइन थ्री टी माइनस वन बाय फोर, फोर टू जा एट, वन बाय एट साइन थ्री टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन बाय एट, यहाँ पर लिखिए साइन थ्री टी इंटू कॉस टू टी। क्लियर है? अब यहाँ पर करेंगे टू साइन ए इंटू कॉस बी के, टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला पर लगेगा, टू साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला का क्या होता है, साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी, तो यही हो जाएगा यहाँ पर क्या, दिस इज इक्वल टू नाइन बाय सिक्सटीन साइन टी माइनस थ्री बाय सिक्सटीन, ये कॉमन अगर ले लेते हैं ये, प्लस वन बाय एट साइन थ्री टी कॉमन लीजिए, माइनस साइन थ्री टी कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा, तो और यहाँ हो जाएगा प्लस, अब टू से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, टू नीचे तो क्या हो जाएगा, टू वन बाय सिक्सटीन टू साइन थ्री टी इंटू कॉस टू टी। अब ये हमारा हो गया कितना, नाइन बाय सिक्सटीन साइन टी, और ये हो जाएगा कितना, ये होगा थ्री प्लस वन फोर, तो थ्री प्लस एलसीएम लेंगे सिक्सटीन, तो माइनस फाइव बाई सिक्सटीन हो जाएगा, थ्री प्लस टू फाइव बाई सिक्सटीन साइन थ्री टी, अब प्लस वन बाई सिक्सटीन, और ये हो जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी, अब प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी कितना हो गया, साइन थ्री टी प्लस टू टी साइन फाइव टी लिख दीजिए, अब प्लस और साइन ए माइनस बी, तो थ्री टी माइनस टू टी साइन टी हो जाएगा। क्लियर है? अब आया नाइन बाय सिक्सटीन साइन टी, और ये हो जाएगा माइनस फाइव बाय सिक्सटीन, ये अगर हम वन बाय सिक्सटीन कर दीजिए, प्लस वन बाय सिक्सटीन साइन टी एक साथ कर देते हैं, ये वाला साइन, ये वन बाय सिक्सटीन, ये साइन टी और ये साइन टी दोनों ऐड हो जाएगा, एक ही है, और यहाँ हो जाएगा माइनस फाइव बाय सिक्सटीन साइन थ्री टी प्लस वन बाय सिक्सटीन साइन फाइव टी। ये हो गया हमारा, कितना हो गया, नाइन प्लस वन सिक्सटीन, सिक्सटीन एलसीएम हो गया, नाइन प्लस वन क्या हो गया, टेन बाय सिक्सटीन, टेन बाय सिक्सटीन साइन टी माइनस फाइव बाय सिक्सटीन साइन थ्री टी, अब प्लस वन बाय सिक्सटीन साइन फाइव टी, ये टू बाय फाइव हो जाएगा, टू फाइव बाई एट, ये हो जाएगा फाइव बाई एट। अब निकाल लेते हैं एल ऑफ साइन टू द पावर फाइव टी, दिस इज इक्वल्स टू फाइव बाई एट, फाइव टू जाइए फाइव कट जाएगा, आई एट हो जाएगा, फाइव बाई एट एल, फाइव बाई एट एल ऑफ, फाइव बाई एट एल ऑफ क्या हो जाएगा, एल ऑफ साइन टी माइनस फाइव बाई सिक्सटीन एल ऑफ साइन थ्री टी प्लस वन बाय सिक्सटीन एल ऑफ साइन फाइव टी, यही आंसर हो जाएगा क्या हमारा, फाइव बाई एट
एल ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, वन बाय एस स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव बाई सिक्सटीन एल ऑफ साइन थ्री, थ्री बाय एस स्क्वायर प्लस नाइन, और यह हो जाएगा प्लस वन बाय सिक्सटीन, और कितना हो जाएगा फाइव बाय एस स्क्वायर प्लस 25, यानी एल ऑफ साइन फाइव टी यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर। क्लियर है? सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, एल ऑफ ई टू टी, टू टी कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी। सो इजी, इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे सिंस कॉस स्क्वायर टी इसका टू क्या होता है, वन प्लस कॉस टू टी बाय टू। अब इसको एल ऑफ कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, हाफ बाहर कर लीजिए, एल ऑफ वन प्लस एल ऑफ कॉस टू टी। एल ऑफ वन क्या होता है, हाफ बाहर रहेगा, एल ऑफ वन होता है वन बाय एस, प्लस कॉस टू टी क्या होता है क्या, एस बाय एस स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर यानी फोर। क्या हो जाएगा, यानी एल कॉस स्क्वायर, एल कॉस स्क्वायर टी इजकल्स टू हाफ, हाफ वन बाय एस प्लस एस बाय एस स्क्वायर प्लस फोर। अब हम इसको बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज निकालेंगे, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, एल ई टू टी कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, वन बाय टू केवल शिफ्ट करेगा एस में, एस माइनस टू हो जाएगा, वन बाय एस माइनस टू और प्लस एस माइनस टू बाय एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर। क्लियर है? अब इसी को हम एलसीएम ले लीजिए, इसी को एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ये एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर और प्लस एस माइनस टू का स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं हम, एस माइनस टू इंटू एस माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर। इसी को ब्रेक कर दीजिए, इसे कैसे करेंगे, हाफ ये हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस फोर और प्लस फोर ये रहेगा, अब प्लस फिर इसका करेंगे एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस फोर बाय बाय क्या हो जाएगा, एस माइनस टू इंटू एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस फोर और प्लस फोर, यही हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर स्क्वायर, दो एस स्क्वायर है, टू एस स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस फोर एस माइनस फोर एस माइनस एट एस और फोर फोर एट और फोर ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व बाय एस माइनस टू आई इंटू ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस एट, यही आंसर हो जाएगा। इसी को आंसर कर लीजिए, अगर टू अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टू बाई टू तो यही हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस सिक्स बाय एस माइनस टू इंटू एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस एट, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर हो गया, क्या हो गया, एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस सिक्स बाय एस माइनस टू इंटू एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस एट, यही आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद 5-10 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम आगे फिर बढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टी बनाएंगे, डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टी और टी
डिवीजन प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बताएंगे, उस पर क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे बताएंगे इनवर्स फार्मूला पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।